जो बिहार में ये जातिगत जनगणना हुई है, इस जनगणना में लोग संतुष्ट नहीं है, चाहे कोई भी समाज हो वह संतुष्ट नहीं है। लेकिन जहाँ तक चंद्रवंशी समाज की बात है, जिस समाज से व्यक्तिगत रूप से मैं आता हूँ, कि हम लोग की संख्या जो दिखाई गई है 1.6 के लगभग, ये संख्या बिल्कुल बिल्कुल कम है। एक किसी जिला का ही एक सर्वे करा लीजिए, जिससे कि ये स्पष्ट हो जाए कि उस जिला का सर्वे क्या कह रहा है। और ऐसे उन्होंने इस विषय पर आश्वासन दिया है कि मैं संज्ञान लूँगा और सरकार को मैं अपने तरफ से लिखकर भेजूँगा। हम लोग पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय हम लोग के इस मांग को गंभीरता से लेंगे। बहुत जल्दी अगर ऐसा सौभाग्य रहा तो ये फिर से जनगणना, जातीय जनगणना आधारित जनगणना होगी। अगर महामहिम महोदय चाहें तो निश्चित रूप से समाज को इसका लाभ मिलेगा। जिस विषय को लेकर हम लोग ने ज्ञापन दिया है, वो निश्चित तौर पर चंद्रवंशी समाज का आंकड़ा बढ़ेगा। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवाणी, जो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी थोड़ी देर पहले राजभवन पहुंचे थे और यहां पर आकर राज्यपाल से मिले, और राज्यपाल से मिलकर उन्होंने जातीय जनगणना जो बिहार में हुआ है उसके लिए उन्होंने कहा है कि इसमें भारी गड़बड़ी की गई है। यानी कि जिस तरीके से तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं, जातीय जनगणना होने के बाद जो रिपोर्ट साझा किया गया, सार्वजनिक किया गया, उसको लेकर कि इसमें कुछ लोगों की जो जाति है उसे कम करके जानबूझ कर दिखाई गई है, और अब इसी को लेकर ये भी राज्यपाल से मिलने के लिए आए हुए था। और राज्यपाल से मिलने के बाद में क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको पहले सुनवाते हैं। देखिए, हम लोगों ने महामहिम से ये आग्रह किया है कि जो बिहार में ये जातिगत जनगणना हुई है, इस जनगणना में लोग संतुष्ट नहीं है, चाहे कोई भी समाज हो वह संतुष्ट नहीं है। हो सकता है उसमें से कोई समाज हो संतुष्ट हो, लेकिन जहाँ तक चंद्रवंशी समाज की बात है, जिस समाज से व्यक्तिगत रूप से मैं आता हूँ, और उस आधार पर हम लोगों ने जो कास्ट सर्वे के संबंध में दिया है, उसमें आज यह स्पष्ट हो रहा है कि हम लोग की संख्या जो दिखाई गई है 1.6 के लगभग, ये संख्या बिल्कुल बिल्कुल कम है। क्योंकि अगर सरकार चाहे, हम लोगों ने उनसे आग्रह भी किया है कि आप एक उदाहरण के रूप में एक किसी जिला का ही एक सर्वे करा लीजिए, जिससे कि यह स्पष्ट हो जाए कि उस जिला का सर्वे क्या कह रहा है। और ऐसे उन्होंने इस विषय पर आश्वासन दिया है कि मैं संज्ञान लूँगा और सरकार को मैं अपने तरफ से लिखकर भेजूँगा, और सरकार इस विषय पर आप लोगों की बात वहाँ तक पहुँचाई जाएगी। हम लोग पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय हम लोग के इस मांग को गंभीरता से लेंगे, और बहुत जल्दी अगर ऐसा सौभाग्य रहा तो ये फिर से जनगणना, जातीय जनगणना आधारित जनगणना होगी, और फिर से ये आंकड़ा निकल के सामने आएगा। और देखने का विषय होगा कि जो आंकड़ा ये अभी आया है उसमें कितनी लापरवाही से ये आंकड़ा जो सरकार के समक्ष आया है और सरकार ने उसे पब्लिश किया है। बहुत निकट भविष्य में अगर महामहिम महोदय चाहें तो निश्चित रूप से समाज को इसका लाभ मिलेगा। और चंद्रवंशी समाज का दहशत सवाल है, उसमें जिस विषय को लेकर हम लोग ने ज्ञापन दिया है, वो निश्चित तौर पर चंद्रवंशी समाज का आंकड़ा बढ़ेगा, ये हम लोगों का भरोसा है। जी हाँ, तो सुना आपने कि किस तरीके से इनका कहना है कि चंद्रवंशी समाज का, यानी कि जो चंद्रवंशी जाति हैं उनका जानबूझकर बिहार सरकार जो है वो आंकड़ा कम दिखाई है, और यही कारण है कि चंद्रवंशी समाज का जो आंकड़ा जनगणना में निकलकर सामने आया है वो कम है। और ये राज्यपाल से मिलकर साफ तौर पे कहे हैं कि चंद्रवंशी समाज का फिर से एक बार सर्वे कराए, या किसी जिले का सर्वे करा ले, और उस जिले का सर्वे रिपोर्ट से ही ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से बिहार सरकार ने जातीय जनगणना में गड़बड़ किया है। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।